बीते कई दिनों से अमेरिकी मीडिया को अपने निशाने पर लेने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब खुद अपने देश की मीडिया के निशाने पर आ गए हैं। जी हां, अमेरिका के 100 से अधिक अखबार मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप के लगातार हमले का जवाब देने के लिए एकजुट हो गए हैं। अब वो गुरुवार यानी 16 अगस्त को ट्रंप की मीडिया विरोधी नीति के खिलाफ लेख छापेंगे। इस अभियान की शुरुआत बोस्टन ग्लोब अखबार ने की है। दरअसल बीते दिनों ट्रंप ने कहा था कि मीडिया अमेरिकी लोगों का दुश्मन है और उनके इसी दावे की आलोचना में बोस्टन ग्लोब के संपादकीय बोर्ड ने इसकी पहल की है। ग्लोब के डिप्टी एडिटोरियल पेज एडिटर मचोरी प्रचार ने बताया कि इस अभियान में हॉस्टन क्रॉनिकल, मियामी हेराल्ड और डेनवर पोस्ट समेत कई छोटे साप्ताहिक अखबार भी शामिल हैं। उन्होंने इस अभियान में शामिल होने वाले अखबारों की संख्या बढ़ने की भी उम्मीद जताई है। सभी अखबार अपना अलग अलग संपादकीय छापेंगे। आपको बता दें कि 2016 में अपने चुनाव प्रचार के साथ ही ट्रंप ने मुख्यधारा की मीडिया को फेक न्यूज बताकर उन पर हमला शुरू कर दिया था।